दोस्तों जब से YouTube Shorts मोनेटाइजेशन वाला फीचर इनेबल हुआ है YouTube पर, तब से YouTube Shorts को लेकर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सख्त हो चुका है। और अभी के टाइम में YouTube जो है बहुत ही बड़े बड़े चैनल जो है डिलीट कर रहे हैं, जिनके 8 मिलियन 12 मिलियन सब्सक्राइबर है वो भी यहाँ पर YouTube डिलीट कर रहे हैं। और वापस जब हम मांगते हैं या ट्वीट करते हैं तो कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने इस तरीके की वीडियो बनाई या इस तरीके का काम किया अपने YouTube चैनल पर, तो आपका YouTube चैनल पर भाई बर्बाद हो सकते हैं, आपका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं होगा या आपका चैनल जो है वो डिलीट कर दिया जाएगा। अगर आपका चैनल डिलीट भी नहीं हुआ ना, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, और अगर आपका चैनल भी मोनेटाइज नहीं होगा तो आप पैसे कैसे कमाओगे। यूट्यूब पर भाई ज़्यादातर लोग पैसे कमाने के लिए आते हैं, और खासकर शॉर्ट्स वाले, जो कि भाई फेम भी जल्दी मिल जाए, वीडियो भी वायरल हो जाए, चैनल भी ग्रो हो जाए और बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा लें। लेकिन आप अगर आपने ये गलती कर ली तो पैसा कमाना तो दूर, आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी गाइस। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। चलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिना आपका वक्त बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना, वरना ज़िंदगी भर पछताओगे। जैसे कि आपने सुना सा मिस आलसी का यूट्यूब चैनल, जिस पर 8 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, उनका चैनल भी यूट्यूब ने यहाँ पर डिलीट कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है। लेकिन उन्होंने जो गलती बताई थी भाई कुछ यूट्यूबर ने, कि भाई उनका चैनल जो है वो स्ट्राइक की वजह से डिलीट हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। स्ट्राइक की वजह से चैनल डिलीट नहीं हुआ है, चैनल डिलीट होने के कुछ और रीज़न है जो कि मैं आपको वीडियो का एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना मत भूलिए, ऐसी वीडियो यहाँ पर आपको मिलती और मिलती रहेगी। पहली बात कर लेते हैं गलती की, जो कि आप गलती करते हैं। दोस्तों आपको पता है, अगर हम लॉन्ग वीडियो पर कुछ भी कंपनी गाइडलाइंस के खिलाफ जाते हैं और उससे कंपनी गाइडलाइंस के खिलाफ वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपको पता है यूट्यूब हमें कंपनी गाइडलाइंस स्ट्राइक दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारी पहली वार्निंग स्ट्राइक होती है, दूसरी हमारी स्ट्राइक लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे 7 दिन तक अपलोडिंग बंद हो जाती है। लेकिन ये भी अभी आपको शॉर्ट्स वीडियो पर भी देखने को मिला, अगर आप शॉर्ट्स वीडियो पर कुछ भी गलत यहाँ पर प्रमोशन करते हो, गलत वीडियो अपलोड करते हो, तो वहाँ पर भी आपको कंपनी गाइडलाइंस स्ट्राइक देखने को मिलेगी। तो आप शॉर्ट्स पर भी ऐसी गलती मत करना, और ऐसा भी जरूरी नहीं अगर आपने शॉर्ट्स को पब्लिश किया है तो ही आपको कंपनी गाइडलाइंस स्ट्राइक देखने को मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी शॉर्ट्स शेड्यूल की हुई है, आपकी शॉर्ट्स अनलिस्ट में पड़ी है, आपकी शॉर्ट्स प्राइवेट पड़ी है, तो भी आपको उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, कंपनी गाइडलाइंस स्ट्राइक। तो यहाँ पर दूसरी गलती की बात करें, दूसरी गलती आप करते हो कॉपीराइट क्लेम को लेकर। दोस्तों कॉपीराइट क्लेम को लेकर आप ये गलती करते हो कि आप अगर यूट्यूब लाइब्रेरी से वो म्यूजिक यूज करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोई दूसरा म्यूजिक यूज करते हैं जो कि भाई कॉपीराइट आ जाता है उस पर, तो उस कॉपीराइट आए म्यूजिक से आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ 10 मिलियन का क्राइटेरिया जो है वो भी आपको उसमें ऐड नहीं होगा उस वीडियो पर, चाहे आपके 10 मिलियन व्यूज आ जाए, लेकिन मोनेटाइजेशन वाले क्राइटेरिया में आपका वो बहुत टाइम वो व्यूज जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो जितना हो सके नो कॉपीराइट म्यूजिक को यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर तीसरी गलती की बात कर लें, तीसरी गलती होती है रीयूज कंटेंट। अगर आप किसी वीडियो को यूज़ करते हैं दोस्तों, किसी दूसरे की वीडियो को, तो आपको उस पर मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है रीयूज कंटेंट देखें, ठीक है। तो रीयूज कंटेंट से बचिएगा और किसी दूसरे की वीडियो अपलोड मत कीजिएगा, या दूसरी जो क्लिप होती है जो कि आपको यहाँ पर यूज दे सकती है यूट्यूब, तो ऐसी क्लिप मत यूज़ कीजिएगा। और जहाँ भी होता है अपना फेस जरूर से दिखाइएगा, अपनी वॉइस शॉर्ट्स के अंदर जरूर ऐड कीजिएगा, अपना कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी जरूर दिखाइएगा, तभी आपका चैनल जो मोनेटाइज हो पाएगा और आप यूट्यूब से पैसे कमा पाओगे। अब तीसरी जो यहाँ पर चौथी बात आती है वो आती है आपको स्ट्राइक। अगर आप बड़े यूट्यूबर का कोई भी क्लिप यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं और उस वो आपको यहाँ पर स्ट्राइक दे देगा, तो आपका चैनल भी वहाँ से डिलीट हो सकते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर बड़े बड़े आपको चैनल यहाँ पर दिखाई दिए थे, और वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकता है। अगर आप किसी की क्लिप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो उसको बिना पूछे, तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी देगा, और कॉपीराइट स्ट्राइक करके आप 3 आगे साथ में, तो आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो आप उसका भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि मिस आलिया के यहाँ पर 3 जो है, आलसी के यहाँ पर 3 स्ट्राइक एक साथ में आई थी, तो उनका चैनल यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया गया था, लेकिन उनका कुछ और थी, ठीक है। उनकी जो प्रॉब्लम थी, उनका एक जो स्ट्राइक थी वो हटा दी थी, लेकिन फिर भी अभी तक चैनल जो है वापस नहीं आए, तो इसका मतलब उनकी जो प्रॉब्लम थी वो कुछ और थी, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं 6th गलती की। तो 6th आप गलती करते हो अपनी वीडियो में किसी को लाइक और सब्सक्राइब करवाने के लिए कसम देना। आपको अपनी माँ की कसम है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको यहाँ पर पिता की कसम है, अगर आपकी माँ मर जाएगी वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप जो है इंडिया से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करते हो। अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो अपनी शॉर्ट्स वीडियो के अंदर लाइक और सब्सक्राइब लेने के लिए, तो आपका चैनल यूट्यूब की तरह से बिना बोले टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप वर्ड्स यूज़ करेंगे तो आपका चैनल जो है वो नहीं बच पाएगा, तो ऐसे आप वर्ड्स यूज़ मत कीजिएगा। अगर आपने ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो आप चैनल भी मोनेटाइज नहीं होगा, अगर डिलीट नहीं होता, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, यूट्यूब ने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया। तो आज की वीडियो से उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है शॉर्ट्स से रिलेटेड। तो इस ये गलतियाँ जो मैंने बताई हैं, ये शॉर्ट्स के अंदर अगर आपने की, तो आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा, आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, यूट्यूब से एक भी पैसा नहीं कमा पाओगे। तो ये गलती याद रखना, कभी भी मत करना। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी है, इस वीडियो को कुछ भी सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी यहाँ पर जो है डाउट है, तो इंस्टाग्राम लिंक नीचे, उस पर आपको DM कर सकते हैं मुझे। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो किसी नोटिफिकेशन, तब तक लिए इजाजत दीजिएगा। जय टाटा, बाय बाय।